बैक टू माई चैनल। आज हम टमाटर प्याज की ग्रेवी वाली चटनी बनाएंगे जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। उसके लिए हमने चार प्याज ले ली हैं, जिनको छीलकर धोकर अच्छे से हमने काट लिया है, और कुछ लहसुन अदरक के टुकड़ों को भी अच्छे से काट लिया है। और हम टमाटर को गर्म करके हमने उसका छिलका उतार लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। अब दूसरे टमाटर को भी हम अच्छे से काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि वो गलने में आसान रहे। और ये लीजिए, हमने टमाटर प्याज लहसुन अदरक को काट लिया है। अब गैस पे कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। कुकर गर्म हो गया है, अब हमने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। ये चटनी हम सरसों के तेल में बनाएंगे। और तेल गर्म होने के बाद हमने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा अभी पकने ही वाला है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं जलाना है, थोड़ा सा ही पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारे प्याज, खूब सारे प्याज, क्योंकि चटनी प्याज टमाटर की बना रहे हैं ना, तो प्याज तो खूब सारे डालेंगे ही। तो अब हम प्याज को इस अच्छे से मिला देंगे, और जब प्याज थोड़ी देर पकने के बाद जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तो हम इसमें चटनी बनाने का दूसरा इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे, वो है टमाटर। टमाटर को हमने डाल दिया है। अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जो हमारी गैस है वो मीडियम ही है, ना तो लो करनी है और ना ही हमने हाई करनी है। अब इसमें जाएंगे गरम मसाले, स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और फिर हमने गरम मसाला डाला है, फिर हल्दी, और अब मिर्च। हमने लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली है, क्योंकि हमारे पास हरी मिर्च नहीं थी। अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और फिर लाल मिर्च आप थोड़ी सी कम डाल दीजिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन रख कर अच्छे से पकाएंगे 2 मिनट के लिए। अभी देखते हैं कि हमारा प्याज और टमाटर कितना पक गया है। ये काफ़ी हद तक पक गया है, इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हम इसमें विसल लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाए। अब हम एक बार फिर हमने ढक दिया था, अब दोबारा फिर चेक करते हैं। ये देखो काफ़ी हद तक हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल दीजिए। मैंने मीडियम पानी डाला है, नॉर्मल। अभी हम इसको ढक्कन लगाकर अच्छे से 4 विसल दिलाएंगे, और उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको हमारी चटनी ग्रेवी वाली कैसी बनी है। जब तक विसल आती है, हम धनिया साफ़ कर लेते हैं। और जब तक आप हम धनिया काट रहे हैं, विसल आ रही है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, अब हम धनिया छोटा छोटा काट लेते हैं। ये धनिया हमने थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिया है, क्योंकि ये हमारे घर का धनिया है, घर में उगाया हुआ, किचन गार्डन में, तो ये बिल्कुल फ्रेश था। लीजिए, जब तक धनिया काटा, हमारी विसल भी आ गई है। अब हम जैसे ही प्रेशर निकल जाएगा, हम चेक करेंगे कि हमारी चटनी बनी है कि नहीं। देखिए कितनी सुंदर बन गई है, और जितना पानी हमने डाला था वो पानी आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और चम्मच से अच्छे से मिला देंगे। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं, और एक बार अगर आप इसको खाएंगे ना, तो आप इसको रोज़ बनाना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।